आज हम लोग बात करेंगे काउ एंड काफ की, यानी गौ माता और उनके बच्चे की। अगर किसी के बच्चा नहीं हो रहा है उस केस में हम उनको गौ माता काउ एंड काफ का ये स्टैचू गिफ्ट कर सकते हैं, वो अपने रूम में लगाएं, वो काफी अच्छा है। काउ को हम लोग, गाय को हम लोग हमारे माँ की तरह पूजते हैं। माँ हमेशा अपने बच्चों की जिंदगी में शांति चाहती है, प्रॉस्पैरिटी चाहती है। तो अगर आपको अपने घर में पीस चाहिए, प्रॉस्पैरिटी चाहिए, सो आप गाय और बछड़े का ये जो स्टैचू है, इसमें छोटा साइज बड़ा साइज कोई मैटर नहीं करता है, ये स्टैचू को आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अपने घर के, जिसको हम लोग ईशान कोण भी बोलते हैं, वहां पर रख सकते हैं। सो अगर हमने किसी के घर में बच्चा नहीं हो रहा है, उनको ये चीज गिफ्ट करनी है या उनको खरीदना है, तो उन्होंने अपने घर में रखना है, अपने रूम में, जहां वो सुबह सो के उठे और उनको सामने ये दिखे। लेकिन अगर घर में हमें शांति चाहिए, पीस चाहिए, प्रॉस्पैरिटी चाहिए, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये काउ एंड काफ का स्टैचू बेस्ट है। थैंक यू।